Oh, I knew you would call back. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just sneak in slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me, just tell me louder. If you're loving me, just love me harder, have no mercy on me, just tell me louder. If you're loving me. अभी आप जो देख रहे हैं वो ना है कि कोई वाली इंडोनेशिया कि ना कोई थाईलैंड, ये सिर्फ हमारे भी इंडिया में है, जो कि है बेंगलुरु में, जो इसी स्ट्रीट का नाम है, उसका नाम है चौर स्ट्रीट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, उसका अभी शाम का माहौल हो चुका है, मिनिमम 6:30 हो गया होगा। आप लोग देख सकते हो कितना शानदार यहाँ पर पूरा वॉकिंग स्ट्रीट होता है। थोड़ा और मतलब शाम होने दो, उसके बाद यहाँ का पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल ऐसे ही कि वॉक वॉकिंग स्ट्रीट को पूरा मज़ा लेते हैं पैदल से, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जो देख सकते हैं यहाँ का ऐसा ही लुक है, बहुत शानदार। तो फिलहाल अभी तो स्ट्रीट लाइट जलना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा और थोड़ा अंधेरा हो जाने दो, उसी का ना इसी स्ट्रीट का नज़ारा भी देख लेना, कैसा मज़ेदार आएगा। तो मेरे को लगता है लगभग उधर तक जाएगा वो स्ट्रीट, क्योंकि सारे लोग उधर से आ रहे हैं। आगे के सर उधर तरफ कैसे फील हो रहा है? लंदन जैसा फील हो रहा है। और जैसे भाई ने काटो किलो तो यहाँ पे बेंगलुरु में वो अभी मेरे को एक पता चला कि यहाँ के जो क्या बोलते हैं उसको BBMP या कुछ, अभी मतलब कोई यहाँ स्ट्रीट रेड इसी स्ट्रीट में मास्क पास कोई नहीं पहनाएगा, तो यहाँ पे आके कुछ वो लोग पकड़ लेगा तो आपको 250 रुपये अभी उन लोगों को फाइन लगा। जैसे हमारे पीछे एक आदमी को भी 250 रुपये फाइन लगा, उसके साथ उन लोगों ने एक मास्क भी साथ में दिया, तो 250 रुपये वाला मास्क भी पहन लेना चाहे तो तो वरना अपना 2-3 रुपये वाला मास्क को सही यहाँ पे यूज करो। शायद मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी पॉप अप का सुविधा ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा वॉकिंग स्ट्रीट में पॉप फैसिलिटी होगा, फैसिलिटी पॉप ऑफ का फैसिलिटी नहीं है, पॉप ऑफ का एंटरटेनमेंट होगा, ये पार्किंग फॉर द प्लाजा लेकिन यहाँ शायद यहाँ भी होगा, क्योंकि ये जैसा फील हो रहा है मतलब लग्जरी जैसा फील हो रहा है कहीं दूसरा कंट्री में आके ऐसे ही। तो यहाँ का देख सकते हैं इसका माहौल। तो अभी देख सकते हैं अभी उसी का नज़ारा, जो कि हम ये कौन सा एक मॉल आ गया, ओ चाचा जी। अभी यहाँ किस रूट में हम जा रहे हैं? म्यूजियम रोड तो रहेगा ये वाला म्यूजियम तो अभी फिलहाल बंद है, जाएंगे क्या अंदर पूछेंगे म्यूजियम ओपन है कि नहीं? बंद है शायद, बंद हो गया है। तो फिलहाल ये एक द म्यूजियम, ये अभी बंद हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हम थोड़ा जल्दी आते तो शायद ये हमारा कब्जे में होते थे। देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। अभी वो राउंड वाला स्ट्रीट लाइट को थोड़ा आप देख लीजिए, वो और शानदार खूबसूरती बढ़ा रहा है, मज़ा आ गया भाई।
चार साल बेंगलुरु में रहने के बाद ये वाला पूरा सडनली गूगल से पता चला। तो आप लोग यहाँ आगे व्यू देखने के लिए चाहते थे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका गूगल मैप का लिंक से आप आके इस एरिया में घूम सकते हो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग। अभी इस स्ट्रीट का मज़ा कुछ अलग लग रहा है भाई, पूरा नेक्स्ट लेवल का तगड़ा एक्सपीरियंस भी भाई होने वाला है। तो मैंने सोचा कि वो वाला जो उल्लू का स्कूटर थोड़ा ड्राइव करके ट्राई करूँ, नाम ही उल्लू है, वो भी उसका जो पेमेंट प्रोसीजर है वो भी उल्लू है। 250 रुपये दे के उसको पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ते हैं, उसके बाद आप उसको स्कैन करके ड्राइव कर सकते हो, जो था कि जो भी मेरे को नहीं चाहिए। हमने सोचा कि यहाँ पे कोई पार्किंग एरिया नहीं होगा, तो इसीलिए गाड़ी हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर में छोड़ के आ गए। देखो तो यहाँ से ढेर सारे पार्किंग एरिया है, तो आप भी वही मेरे जैसा गलती नहीं करोगे, यहाँ आके डायरेक्ट गाड़ी लेके आके यहाँ पे रख सकते हो। तो शाम को नज़ारा भी यहाँ ज़बरदस्त है, लेकिन दोपहर को मैं सजेस्ट नहीं करता यहाँ आने के लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं लगेगा देखने का जैसे कि अभी फील आ रहा है। तो अभी हम चर्च स्ट्रीट से बाहर जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा घूम लिया हमने, तो यहाँ पे से फोटोग्राफी चल रहा है, देख सकते हो यहाँ का पूरा नज़ारा, तो बहुत 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 दूर से आया शायद आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोकेलिटी जितना ज़्यादा नहीं है, और दूसरा बहुत बहुत दूर दूर स्टेट से ज़्यादा आए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, देख दीजिए आप सब देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है चर्च स्ट्रीट। सो अभी कहाँ जाएंगे? सीधा आगे जाएंगे। टाइम हमको अभी 7 बज गया ना, तो अभी हमको 7 बज गया है। क्या करें भाई, मार्केटिंग ही मार्केटिंग करना पड़ता है बंदे के लिए, जो कि इंसेंटिव तो उन लोगों को चाहिए। तो फिलहाल छोड़ो इस बात को, मज़ा तो आया आज का स्ट्रीट में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा स्ट्रीट अब, और आप इस वीडियो देख के ज़रूर यहाँ आके आओगे तो प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा कमेंट भी कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कर देना अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। भाई बहुत भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं क्या कपड़ा, बहुत भीड़ है यहाँ का। थोड़ा थोड़ा एक नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ पर, 360 व्यू एंगल करके। अभी हम ऐसे ही धीरे धीरे नीचे बढ़ते जा रहे हैं, जाने का टाइम भी आ गया है, रात को हमारा जो गाड़ी जहाँ पे पार्किंग लॉट था वो 9:30 बजे तक खुला रहता है, तो बोला कि जल्दी जल्दी आ जाओ, तो इसलिए हम ज़्यादा देरी ना करके जल्दी जा रहे हैं हम यहाँ पे यहाँ से। पूरा कपड़ा जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हो सभी अवेलेबल है यहाँ पे।
मजा आ रहा है, मजा। तो गाइज आपने देख लिया होगा पूरा का पूरा वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे हर वीक में। तो फिलहाल बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वो अंकल जी जो गाना बजा रहे हैं, ज़बरदस्त बजा रहे हैं गाना। मस्त बजा रहे हैं। क्या गाना बजा रहे हैं, सुपर गाना, तगड़ा गाना। उसमें क्या बोलते हैं उसको जो बजाते हैं, उसको तगड़ा लग रहा है भाई।